तो स्वागत है आपको फास्ट पिक्चर किंग के आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब स्टूडियो को डेस्कटॉप साइड में कैसे ओपन करें, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर। जी हाँ, आपसे मैं ये नहीं बोलूँगा क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब को डेस्कटॉप मोड में ऑन करें, आपको ऑन करना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो को या फिर यूट्यूब स्टूडियो को अपने क्रोम ब्राउजर पर डेस्कटॉप साइट पर। तो चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, हमारे चैनल फास्ट पिक्चर किंग को सब्सक्राइब कर लेना। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आना है, सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है, टाइप करना है studio.youtube.com। आप इस तरह देख लीजिए स्पेलिंग, आपको इस क्लिक कर यहाँ सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा, आपको यहाँ क्रोम ब्राउजर के 3 डॉट पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके इसे यहाँ डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में करने के 10 सेकेंड के अंदर आपका जो है क्रिएटर स्टूडियो या फिर यूट्यूब स्टूडियो आपके क्रोम ब्राउजर पर बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते होंगे हमारा जो यहाँ क्रिएटर स्टूडियो या फिर यूट्यूब स्टूडियो है वो क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड में ओपन हो चुका है। सो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने यहाँ पर जाकर अगर आपके एक से ज़्यादा चैनल हैं तो आप बारीकी से अलग अलग चैनल पर यूट्यूब स्टूडियो कैसे चला सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर नहीं है लिंक तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो नहीं आया है वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल फास्ट पिक्चर किंग को सब्सक्राइब कर लेना।